ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित उत्तर बिहार के 12 जिलों में कल कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग की। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में शुक्रवार को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में यह राशि भेजेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी बिहार सहित 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को 6,000 रूपये, 2,000 रूपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। श्री राय आज समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए कृतसंकल्प है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। एमएसपी पर भी हमारे केंद्रीय नेताओं ने और कई छोटे छोटे मुद्दे जो किसानों के थे उन पर लिखित आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे भोले भाले किसानों में भ्रम फैलाकर उनका अहित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती किसान दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने जीवन भर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
इसमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस वर्ष 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्वघोषणा पत्र भरना होगा। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आरटीपीसीआर जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा। प्रदेश में कोविड 19 से अब तक 2,42,244 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 309 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। वहीं एक दिन में 640 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,48,668 हो गई है। आज सबसे अधिक 257 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। वहीं औरंगाबाद से 73 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में 5 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,367 हो गया है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,056 है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से बदलते मौसम के दौरान अधिक सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो चाहे भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए, उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें री इन्फेक्शन होने के चांसेज हो रहे हैं, दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और तीसरा ठंड में की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है, बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट का दावा करने वाली एक वेबसाइट और इस पर विभिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि एजेंसी ने अभी किसी भी पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्यकर्मी शामिल किए गए हैं क्योंकि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। कोविड 19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला अगला समूह 50 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्तियों और 50 वर्ष से कम आयु की व्यक्तियों का होगा जो सहरुग्ण परिस्थितियों में हैं, क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है। टीकाकरण के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को शामिल करने का कारण यह है कि सहरुग्णता वाले 78% व्यक्तियों को सम्मिलित करने में यह सक्षम होगा, जिससे कोविड 19 से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु समूह को 2 उपसमूह में विभाजित किया गया है। एक उपसमूह 60 वर्ष और उससे अधिक का है, उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। दूसरा उपसमूह 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है, पहले उपसमूह का टीकाकरण के बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड टीकाकरण को लेकर प्रदेश में प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ही टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल कर्मी और आशा कार्यकर्ता शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। पीएमसीएच सहित प्रदेश के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 से स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि नियम के अनुसार हर 3 साल पर इसमें बढ़ोतरी होनी है। हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं। जूनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति का असर ओपीडी और आपातकालीन सेवा पर दिख रहा है। हालांकि कोविड से संबंधित चिकित्सा सेवाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की केंद्र सरकार से मांग की है। श्री कुमार ने इस संबंध में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है।
श्री कुमार ने कहा कि हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उड़ानों की संख्या बढ़ाने और अन्य विमानन कंपनियों की सेवाओं को दरभंगा हवाई अड्डा से जोड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए यहां अस्थायी टर्मिनल भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के 12 जिलों में कल कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि सुबह में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। रात के तापमान में कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम हवा मंद गति से बिहार में प्रवेश कर रही है, जिसके प्रभाव से बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग में एक या दो स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी तथा राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर के कोहरे छाये रहेंगे। आज गया 5.3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अब तक गठन नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। गया के विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि सरकार को हर काम के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। श्री कुमार पटना में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार एक एक बिंदु पर ध्यान दे रही है। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। कल दोनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी से भी भेंट की है। औरंगाबाद में नवनिर्मित प्रदेश के पहले और देश के सातवें इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का आज परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों से लोग वाहन चालन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत होंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 19 लाभुकों के बीच ऑटो रिक्शा का वितरण किया। सीवान जिले के सराय ओपी के प्रभारी गोपालजी पांडे को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडबा चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवा खुर्द गांव में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित उत्तर बिहार के 12 जिलों में कल कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।